and welcome to Business Delight on YouTube channel. Hope you all are taking good care of yourself. हम भी यहाँ सब ठीक है. यदि आपने Business Delight को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरी बाकी के वीडियोस को ईजी कुकिंग के लिए चेकआउट करें. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली क्रीमी चिकन की रेसिपी. मलाई चिकन बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगी और ये कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं. लंबी कटी हुई एक प्याज, 2-3 हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून काजू. अब एक पैन को गरम करें, 1 टेबलस्पून तेल डालें, फ्लेम को रखें मीडियम पे. आपको हरी मिर्च और प्याज को पहले भूनना है. 3 मिनट आप इसे अच्छी तरह से फ्राई करें. उसके बाद आप इसमें काजू डालें. काजू डालने के बाद 2-3 मिनट और इसे फ्राई करें. आपको तब तक फ्राई करना है जब तक आपकी प्याज सॉफ्ट ना हो जाए. अब आप इसे ठंडा करें. ठंडा होने के बाद ही आप इसको मिक्सर जार में डालें और इसका रफली एक पेस्ट बना लें. उसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून पानी डालें और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें. चिकन मैंने लिया है 250 ग्राम और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट. अब आप एक पैन गरम करें, उसमें डालें 1 टेबलस्पून तेल और उसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे अच्छी तरह से भून लें. उसके बाद आप इसमें डालें चिकन के पीसेस. फ्लेम को रखना है हाई पे. आपको 5 मिनट इसे अच्छी तरह से भूनना है. देखिए चिकन अपना कलर चेंज कर चुका है, वाइट कलर का हो गया है. आपको तब तक इसे भूनना है. अब फ्लेम को रखिए मीडियम पे और 5 मिनट और भूनें. 5 मिनट जब आप इसे और फ्राई करेंगे तो टोटल हमने 10 मिनट इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है. मेक श्योर कि चिकन सॉफ्ट हो चुके हों. यदि सॉफ्ट नहीं हुए हैं तो और आप 5 मिनट इसे भूनें. उसके बाद ही आप इसमें डालें प्याज और काजू का पेस्ट जो हमने पहले तैयार किया था और इसे 5 मिनट और अच्छी तरह से आप भून लें. और इसमें डालें नमक अपने स्वाद अनुसार और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें. जब घर पे चिकन बच जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी सा कुछ ग्रेवी बनाना हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए. ज़्यादा चिकन बना रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स उसके हिसाब से आप ज़्यादा लीजिए. अब आप इस में डालें 2 टेबलस्पून दही. फेटी हुई दही लीजिए और अब फ्लेम को रखिए लो पे. अब आपको लो हीट पे पकाना है और इसे ढक के पकाना है. तो आप ढकें और इसे 5 मिनट तक पकाएं लो हीट पे. जब एक उबाल आ जाए उसके बाद आप इसमें डालें पानी. मैं यहाँ 1/4 कप पानी डाल रही हूँ. यदि आपको कंसिस्टेंसी ज़्यादा चाहिए तो पानी आप थोड़ा ज़्यादा डालें, 1/2 कप डालें. और उसके बाद इसमें डालें गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने. और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आप लो हीट पे इसे 5 मिनट ढक के पकाएं. बीच बीच में आप चेक करते रहें और हिलाते हुए पकाएं. ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाती है, इसलिए आपको यदि ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसको शुरू में ही पानी थोड़ा ज़्यादा इसमें डालें. और पानी के बदले आप इसमें दूध भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है. अब इसकी जो ग्रेवी है वो मैंने थिक रखी है और देखिए हमारा क्रीमी चिकन 5 मिनट बाद तेल भी छोड़ चुका है. बहुत ही परफेक्ट बने और मलाई चिकन बन के रेडी हो चुके हैं. इसे ऑफ़ करने से पहले आप इसमें डालें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और आप इसे 2 मिनट मिक्स करते हुए पकाएं और उसके बाद गार्निश करें कसूरी मेथी के साथ. और ये बड़े परफेक्ट लगते हैं पराठे के साथ, रोटी के साथ या राइस के साथ. और ये इतने डिलीशियस हैं कि क्या बताऊँ. यदि आपको क्रीमी चिकन मलाई चिकन की रेसिपी पसंद आई तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करें. और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ. थैंक यू.